मोलस्का के एनिमल्स ने जब फर्दर एवोल्यूशन का प्रोसेस किया तो उन्होंने जिन ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट किया उनको हम फाइलम एनालिट्स में पुट कर देते हैं फाइलम एनालिट के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम सेगमेंटेड वर्म्स से भी कहते हैं सेगमेंटेड क्यों कहते हैं इसको देखने के लिए आप इनके जनरल करेक्टर्स को देखें इनकी बॉडी के अंदर जो होते हैं वो सर्टन सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम मेटामेरिक्स कहते हैं ये मैटामिक्स जो होते हैं वो इनकी बॉडी के अंदर थ्रू आउट प्रेजेंट होते हैं ये फ्री लिविंग भी होते हैं और ये इनमें से कुछ जो होते हैं वो पैरासिटिक इन नेचर भी होते हैं कुछ सॉयल में होते हैं कुछ फ्रेश वाटर में होते हैं और कुछ मरीन यानी कि हर इन्वायरमेंट में ये प्रेजेंट होते हैं इनके अगर हम बॉडी को देखें तो इनकी बॉडी के अंदर अगेन मैंने आपको बताया था मेटामेरिकली डिवाइडेड होती है मैटामिकली डिवाइडेड का मतलब ये होता है फॉर एक्जाम्पल इनकी बॉडी के अंदर जो होता है वो इस तरह के जो होते हैं वो कंपार्टमेंट्स होते हैं अब ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं ये एक्सटर्नली एंड इंटरनली भी प्रेजेंट होते हैं इंटरनली का मतलब ये होता है कि अंदर भी जो है ये इसके पूरा एक होल कंपार्टमेंट क्रिएट हो जाता है हर कंपार्टमेंट का अपना सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सट्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है ये मैथामेटिक्स या ये जो डिवीजन होती है कंपार्टमेंट की ये प्रोवाइड करते हैं इसको एफिशंसी और ये एक्ट करते हैं एज अ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन प्लस जो है ये इसकी वजह से जो है ये आपके जो एनालिट्स या जो राउंड वर्म होते हैं ये रीजनरेशन का प्रोसेस भी जो है ये स्टार्ट कर सकते हैं यानी कि अगर मैं यहाँ से किसी ऑर्गेनिज्म को कट कर दूंगी तो उसका ये जो सेगमेंट है ये एक न्यू एडल्टो होता है एडल्ट वम उसको क्रिएट कर देगा फिर इसके अब जो इसके आउटर मोस्ट क्यूटिकल होता है इस क्यूटिकल के ऊपर सर्टन कार्टेस जो होता है वो हेयर लाइक एक्सटेंशन होते हैं जिसको हम सीटे कहते हैं ये जो सीटे होते हैं ये इसकी बॉडी के अंदर थ्रू आउट प्रेजेंट होते हैं और कुछ केसेस में ये सीटे जो होते हैं रिप्लेस हो जाते हैं बाय पैरापोडिया इसका जो ये पहला ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर जो है ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके पास एक ब्रेन होता है और उसके जो है लॉन्गिट्यूटनल लर्व जो होते है उसकी बॉडी के अंदर थ्रू आउट डिवाइडेड होती है इसके अंदर जो मसल्स होते हैं उसमें सर्कुलर मसल भी होते हैं और लॉन्गिट्यूटनल भी होते हैं लॉन्गीट्यूटनल और सर्कुलर मसल इसको जो है ये इस तरह की क्रॉलिंग का जो है एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं जितने ज्यादा लॉन्गिट्यूटनल और सर्कुलर मसल होते हैं उतनी ज्यादा इनकी बॉडी जो होती है वो फ्लेक्सीबल होती है और मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर जो सेक्सेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और फिर उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है और फर्टिलाइजेशन के बाद इनके पास प्रोकोफोर बनता है जो कि प्रोटीरोस्टोम्स का जो होता है वो करेक्टरिस्टिक है फिर ये उसके बाद जो होते हैं इसके अंदर जो है वो कन्वर्जन होती है और कन्वर्जन होने के बाद वो फाइनली एडल्ट फॉर्म में वापस आ जाते हैं ये वाहद ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेक्सुअली के साथ साथ एक सेक्चुअली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रीजनरेशन एबिलिटी अब हम इनके सिस्टम्स को डिस्कस कर लेते हैं सिस्टम्स में सबसे पहले बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अगेन कम्पलीटेड है जिसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल और एनस प्रेजेंट है रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है वो इसके अंदर एबसेंट होता है और रिस्परेशन होती है थ्रू इनकी मॉयस स्किन डिफ्यूजन के प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगेन एज आई टोल्ड यू कि इन ये पहले ऑर्गेनिज्म से जिनकी बॉडी के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो था वो डिवेलप हुआ एक्सक्रीशन इनके थ्रू नेफ्रीडिया से होती है और वही इनकी बॉडी में जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन सिस्टम करी होती है इनके पास एक प्रिमेटिव टाइप का सेंट्रल नर्विस नर्वस सिस्टम होता है जिसके अंदर गैंगलियांस होते हैं जो कि हेड के रीजन के अराउंड होते हैं और वो सेंसरी ऑर्गन से प्रोवाइड करते हैं इनके माउथ पार्ट को ताकि वो फूड को डिटेक्ट कर सके और से जो है ये मूव अवे कर सके और इसके जो नर्व कॉर्ड्स होते हैं ये डिस्पर्स होते हैं थ्रू आउट दी बॉडी इम्पॉर्टेंस की बात करें तो अगेन इनको जो है वो इन वर्म्स को हम एज अ बेट यूज़ करते हैं जब हमने मछली पकड़नी होती है तो हम इनको जो है वो बेट के तौर पर बांधते हैं और मछली को जो है ईजिली प्रूव करते हैं अर्थ वर्म्स को कहा जाता है कि ये फार्मर्स के जो है ये बेस्ट फ्रेंड हैं क्योंकि जब ये मूव करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू एन अदर पार्ट तो ये सॉइल को जो है ये अपने साथ रोटेट करवा रहे होते हैं जिसकी वजह से सॉइल की रोटेशन से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिसाइकल हो रहे होते हैं न्यूट्रंस जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं और ईजिली जो सॉयल होते हैं सॉइल इम्प्रूवमेंट वो इंक्रीज हो रहे होते हैं इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम एक्टो पैरासाइड्स भी कहते हैं और ये जो होते हैं इनमें जो कॉमन एग्जांपल है वो लीच है आपको डायग्राम भी नज़र आ रही होगी लीच की लीच आपकी बॉडी के साथ अटैच हो जाती है और आपकी बॉडी से जो है वो ब्लड को सक करना शुरू कर देती है